बीस सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने प्रखंड स्थित खरसान में करोड़ों की लागत से जल नल योजना के तहत बन रहे पानी टैंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है, वही घटिया छड़ का प्रयोग किया जा रहा है। संवेदक कर्मी बालू का भावचार भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी निर्माण स्थल पर आकर निर्माण में हो रहे पानी टंकी की जांच कर कार्रवाई करें। मौके पर शिव नारायण राउत, हुजूर आलम, सुखदेव यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। तो ईट जब वहीं रखा हुआ बगल में आप ईट कैसे नहीं देखे, दूरी में भी तो नहीं रखा हुआ है। अभी हम यहाँ खरसान में गांव प्रखंड के खरसान पंचायत है, जहाँ सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजनाएं नल जल योजना के तहत में जो करोड़ों रुपये की लागत से बन रहा है, बहुत जन उपयोगी योजनाएं हैं। इसमें हमने बहुत दिनों से यहाँ की जनता भी मुझे शिकायत किया है कि भारी अनियमितता किया जा रहा है योजनाएं में। पिछले अखबार के माध्यम से भी हमने सुने, आज अभी हमने दलबल अपने साथी के साथ में यहाँ जब पहुँचे तो जो छड़ की शिकायत था वो छड़ चढ़ के देखे उतार दिया गया है, बात सच है। लेकिन हमने अभी जो जई से बात करने की प्रयास किया, जई से जब बात किया कॉल से, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ अभी छड़ उतार दिया गया है, दूसरा लगा कर ढलैया होगा। हमने उनको जब बोले कि यहाँ कौन सा ईंट चलाया जा रहा है, तब उन्होंने क्या जवाब दिए कि ये हमें पता नहीं है। तो अगर उनको यहाँ अगर आके छड़ उतरवाए हैं और अगर ईंट कौन चल रहा है उनको पता नहीं है, इसका मतलब मुझे संदेह है, मुझे शक है कि जई यहाँ साइड पर आज तक नहीं आए हैं। क्योंकि अगर वो जई साइड पर आते हैं और कौन सा ईंट चल रहा है, वो बंगला भट्टा है कि चिमनी है, एक नंबर है या दो नंबर है, तो निश्चित तौर पर उनको पता रहता। सटीक जवाब नहीं देना, अब एस्टिमेट के बारे जब पूछें वो भी जवाब नहीं दे रहा। अभी यहाँ देख रहे हैं बालू, अभी जब बालू बंद है तो बालू आया कहाँ से, तो उनका